लगाया था, कहाँ पे रख दी? कहाँ रखी है हेयरबैंड? बच्चे को खाना खिलाना इतना आसान नहीं है। हेलो, गुड मॉर्निंग फैमिली। आज बहुत ही कड़क वाली धूप थी, देखो मतलब सुबह के 7 बज रहे हैं और कितनी ज़्यादा टाइट एकदम धूप है। और ईशु मैडम को मैं उठाने जा रही हूँ और मैडम सुबह सुबह उठने में बहुत नाटक करती है। ये गुड मॉर्निंग, तुम्हें इतना रोना क्यों होता है बताओ? तुम प्यार से भी तो उठ सकती हो, प्यार से भी तो बोल सकती हो, लेकिन नहीं है तो बच्चे वाला काम तो करना है, मम्मा को तंग तो करना है, जन्म सिद्ध अधिकार है ये इन सब का। चलो ब्रश कर लो जल्दी से एंड देन हम लोग फ्रूट्स खाएंगे। क्या खाएंगे? ब्रेकफास्ट का। तो मैं आ गई हूँ किचन डायरेक्ट ईशु के लिए फ्रूट्स कट करने के लिए, क्योंकि सुबह मैं इसको फ्रूट्स ही देती हूँ जो कि ये बिल्कुल पसंद नहीं। मैं अभी एप्पल पील कर रही हूँ, इसका सारा जो इतना भी इसका स्किन है वो मैं सारा पील करके निकाल दूंगी, क्योंकि ईशु ऐसे तो मैं जानती हूँ कि एप्पल का जो छिलका है वो खाना चाहिए और बच्चों को भी खिलाना चाहिए, बट मैं क्या करूँ, ईशु खाती ही नहीं है। अगर थोड़ा सा भी इसका छिलका रह जाता है तो ईशु मुंह में भी नहीं लेती है एंड सब चीज़ मतलब वॉमिटिंग करके थूक देती है, तो मुझे उसके कारण से ये एप्पल का छिलका मुझे पील करना पड़ता है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि एप्पल को बॉयल करके भी खिला सकते हो, बट मैं उसको सुबह सुबह इतने सारे फ्रूट्स ही देती हूँ। तो मैंने एप्पल वगैरह पील कर लिया है, अब मैं 2 खजूर दूंगी। तो मैंने इसका सुबह का नाश्ता रेडी कर लिया है, देख लो पीछे मैडम को। ये है अनार पोमेग्रेनेट एंड ये है खजूर, 2 खजूर मैं देती हूँ डेली एंड ये है आधा एप्पल, क्योंकि एक एप्पल ये नहीं खा पाती, इसको सबसे ज्यादा गंदा फ्रूट्स यही लगता है एप्पल ही। ईशु प्लीज घर गंदा मत करो ना। तो मेरा ये हो गया है रेडी। तो ये रहा ईशु का सुबह सुबह का नाश्ता, जिसको देख के ईशु बहुत ज्यादा चिढ़ती है, जिसमें है अनार, डेट्स हैं और एप्पल है। चलो इसको मैं देखो, ये हर टाइम गिरती ही रहती है। आओ इधर ईशु, आओ, तुम्हारा नाश्ता आ गया। तो मैं इसको खिलाती हूँ बालकनी में बिठा के, क्योंकि बालकनी में इसे कुछ कुछ दिखाती रहती हूँ एंड फिर खिलाती हूँ। खुद से तो खाने वाली मैडम है नहीं। आ जाओ, ये तुम कहाँ बैठी हो? मम्मा कहाँ बैठी है? तुम कहाँ बैठी हो? वहीं पे मैंने बैठने बोला, आ जाओ मेरी गोदी में आके बैठो, यहाँ पे बैठो आके। बच्चों के काम करना इतना भी इजी नहीं होता, जिनके छोटे बच्चे होंगे वो तो अच्छे से समझ रहे होंगे, बाकी जिनके नहीं है छोटे बच्चे वो भी समझ रहे होंगे, क्योंकि उनके भी ये ऐसे टाइम रह चुके हैं। यस, और इसको खिलाने के टाइम बहुत नाटक करती है, मतलब एक बाइट लेगी फिर इधर उधर घूमेगी सब जगह एंड उसके बाद मुँह में फिनिश भी हो जाएगा, मैं कितना बुलाऊंगी फिर भी नहीं आएगी। और उसके बाद अचानक से बारिश भी स्टार्ट हो गई, पहले तो हल्की हल्की हो रही थी बट उसके बाद इतनी ज़्यादा ज़ोर से बारिश होने लगी ना, मतलब कि अचानक से भी धूप था इतना ज़्यादा वो भी, और फिर तुरंत बारिश। ऑब्वियसली बारिश का सीज़न चल रहा है तो बारिश नहीं होगी तो फिर क्या होगा। और ये देखो मैडम कहाँ जाके बैठ गई है, पॉट पे जाके बैठ गई, और मैं कितना भी बुलाऊं फिर भी नहीं आने वाली है, इसका जब मन करेगा तभी आएगी। बच्चे को खाना खिलाना इतना आसान नहीं है, देखो कहाँ जाके बैठ गई है, पॉट पे जाके बैठ गई है। ईशु वो पॉट है, ईशु गंदा हो जाएगा तुम्हारा बम, उसमें मिट्टी है। आ जाओ इधर, आ जाओ, चलो आओ जल्दी से। के लिए खुद को भी अब उनके साथ खेलाना पड़ता है, मतलब खुद को भी बच्चा बनाना पड़ता है। अभी क्या हुआ ना कि एप्पल तो ये वैसे भी कभी खाना पसंद नहीं करती है, बहुत मुश्किल से एप्पल खाती है, तो मैं उसका छिलका उतार देती हूँ, उसके बाद भी नहीं खाई। तो फिर मैंने क्या किया कि गोदी में इसको बिठा लिया और ज़बरदस्ती में खिला रही, जो ऐसे ज़बरदस्ती नहीं मतलब गोदी में जब बिठा लेती हूँ तो फिर ये खाने लगती है, क्योंकि इसको मालूम पड़ जाता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, भागने का भी कोई चांस नहीं है, इसलिए मम्मा जो बोल रही है चुपचाप से करो, इसलिए चुपचाप से खा लेती है। तो मैं यहाँ पे गोदी में बिठा के वही कर रही हूँ। सिर्फ अनार ही पसंद है, अनार के अलावा इसको कोई भी फ्रूट्स नहीं।
एंड फाइनली सुबह का सबसे मुश्किल काम हो चुका है, अब मैं खुद का काम कर सकती हूँ। मैडम का नाश्ता तो हो चुका है एंड अब मैं जा रही हूँ चूंकि पापा का नाश्ता लगाने के लिए। नाश्ता नहीं, ऐसे ही फ्रूट्स वगैरह सुबह को ही हल्का फुल्का कुछ दे देती हूँ एंड फिर 10 बजे के लगभग मैं कुछ देती हूँ। इनका नाश्ता मैंने लगा दिया है, फ्रूट्स ही है और कुछ कुछ है, डेट्स वगैरह है और कुछ नहीं। एंड गुलाब जामुन कल रात को ये लाए थे, वो एक जगह का गुलाब जामुन इतना ज्यादा पसंद आ गया है कि ये हर दिन ले आते हैं। इन ये बोलते हैं कि इनको वहाँ का गुलाब जामुन कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, कोई लाए थे एंड उसके बाद इन्होंने खाया ही नहीं कल रात को, तो मैं अभी दे देती हूँ क्योंकि सुबह मीठा खाना ठीक नहीं है सेहत के लिए। बस वन पीस में दे रही हूँ। लो जी, ईशु के पापा का नाश्ता भी लग चुका है, नाश्ता नहीं सुबह का हल्का फुल्का सा नाश्ता, ये है एप्पल, ये है डेट्स, ये है थोड़ा सा ब्रेड और ये क्रीम वाले ब्रेड है, ये मीठा वाला बन है तो इसके बीच में क्रीम क्रीम है, आपको दिखेगा नहीं, ये छोटे वाले जो ब्रेड आते हैं ना, और ये है गुलाब जामुन जो कि लाजवाब लग रहा है देखने में ही एंड हेयर सम डेट्स। तो चलो इसके पापा को दे दे, जिसकी मेन ज़रूरत होती है मैं लेके नहीं गई, स्पून। ईशु को नेला धुला के रेडी कर दिया है ताकि ये सो जाए जल्दी से, उसके बाद मैं खुद का काम कर सकती हूँ। और उसके बाद मैं अभी यहाँ पे इसको डांट रही थी, इसने वैसा कारनामा ही किया है, हेयर बैंड इसने कहाँ खो दिया पता नहीं, इसको मैंने हेयर बैंड लगाया था कहाँ पे रख दी। अभी कभी इसकी हरकतें इतनी ज्यादा क्यूट लगती है कि डांटने का मन भी नहीं करता, जैसे मैंने इसे डांटना स्टार्ट कर दिया ये उधर जाके फेस करके खड़ी हो गई, मतलब मुझसे गुस्सा हो गई। उसके बाद इसे अभी ये ढूंढ रही है कि हायरी मैं कहाँ पे मैंने हेयर बैंड रख दिया, जैसे मैंने इसको याद दिलाया। और इसके बाल काफी लंबे हो रहे हैं, सोच रही हूँ हेयर कट करा दूं, एक बार तो करा चुकी हूँ बट फिर भी देखो अब क्या कराती हूं। सो गाइस, मॉर्निंग रूटीन विद ईशु अब यहीं पे एंड होता है, अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।